नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम इस तरीके का जो ये आपको दिख रहा है, ये जो रिसिप्ट दिख रहा है, यानी कि जो ये पैसे काटने वाले जो बिल है, यानी कि जो रिसिप्ट है जो कि पूजन उत्सव के लिए है ना, तो इस तरीके का जो रिसिप्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे इसको इस तरीके से सेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही बताएंगे कि इस प्रकार का जो हम रिसिप्ट बनाए हुए हैं, यानी कि जो इस प्रकार का जो हम रसीद बनाए हुए हैं, ठीक है, पर्ची है जिसको बोलते हैं कोड भाषा में, भोजपुरी भाषा में, तो इसको हम कैसे बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। चाहे वर्ड आपके पास 2007 हो, चाहे 2016 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 2013 हो, किसी में भी इसको बना सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हो सकता है कि आप इसको देख करके और बेटर से बना सके इसको, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए पहले इसको स्टार्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जी को जी में। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं बंद यहाँ से, ठीक है। और बंद करने के बाद एक बार थोड़ा सा हम सिस्टम को रिफ्रेश कर देते हैं। ये तो मैं बार बार अपने वीडियो में बोल देता हूँ कि थोड़ा सा सिस्टम को रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा सिस्टम का क्या रैम वगैरह कम है, तो एक बार कोई चीज़ फाइल ओपन होती थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से, ठीक। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक बार ओपन करके दिखा देते हैं कि मैंने उसको बनाया ही था, ना कि मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास है, इसके जस्ट बगल में देखिए मेरे पास क्या नाम है कि एडब रीडर है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ से क्लिक कर देता हूँ ऐसे, देखिए इस तरीके से क्या अभी भी मैंने बनाया इसको, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट किया, पीडीएफ में कन्वर्ट करके जेपीजी किया, जेपीजी में करके फिर मैंने उसको क्या किया, फोर पार्ट में डिवाइड किया, मतलब फोर पार्ट में उसको सेट किया। वैसे तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी उसको सेट कर सकते हैं बहुत सारे तरीके, जो कि मैंने आइडेंटिटी कार्ड में आपको बताया था, ठीक है। तो अब इस तरीके का बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल जैसे कि इस पेज की साइज हमको सेट करनी पड़ेगी, ये पेज की साइज क्या होगी, ठीक है। तो पेज की साइज आपको पता ही नहीं होगा कि पेज की साइज क्या होगी, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि कंट्रोल बटन दबा के एन दबा देते हैं, तो हमारे सामने क्या आएगा कि एक नया पेज खुल के आ जाएगा कंट्रोल बटन दबाने से, देखिए कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का नया पेज हमारे पास आ जाएगा। हमें इससे करना है लैंडस्केप, और लैंडस्केप करने के लिए जाना पड़ता है पेज लेआउट के अंदर, यहाँ पे पेज लेआउट है, क्लिक करेंगे और ठीक नीचे आएंगे ओरिएंटेशन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके नीचे ठीक यहाँ पे दिया लैंडस्केप, लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे, हमारा पेज क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। फिलहाल हमको इसकी साइज सेट करनी कि ये कौन से साइज का मतलब कि था, तो फिलहाल हम इसकी साइज सेट करते हैं। तो साइज को सेट करने के लिए यहाँ पे हम साइज पे जाते हैं और साइज पे क्लिक करने के बाद हम नीचे चलते हैं, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए मोर पेपर साइज लिखा हुआ है, इस पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके का एक विंडो ओपन होकर आएगा। अब मान लीजिए कि हम इसकी जो चौड़ाई जो ये ऊंचाई जो है, हम क्या करते हैं कि इसका हम कर देते हैं यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्या नाम है कि जो ये हाइट है ये इस, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि 7 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ओके करेंगे ऐसे, तो देखिए ये ऑटोमेटिक ऐसे साइज हमारी क्या हो जाएगी, बन जाएगी, बिल्कुल आसानी तरीके से साइज बन जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा कि साइज वगैरह बना लीजिएगा और साइज बना करके फिर क्या करिएगा कि आप सीधे पेज कलर पे जाइएगा। इस तरीके से पेज कलर पे जाने के बाद आपको हो सकता है कि इस प्रकार का कलर न मिले, तो आप जाइएगा मोर कलर में। मोर कलर में जाने के बाद जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे एक विंडो ओपन होगी और इसमें से आप कोई भी कलर बना सकते हैं। अगर ये आपको पसंद नहीं आता है तो आप कस्टम वाले पे क्लिक कर लेंगे, मर्जी आपकी, आप किसी पे भी क्लिक करिए, ठीक है, और कलर आप यहाँ से बना लीजिए, ठीक है, सिंपल ऐसे जैसा भी चाहे, ठीक है, यहाँ से ओके कर लेंगे। देखिए इस प्रकार का आपका एक कलर बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ये चीज़ें पेज कैसे बनाएंगे, यानी कि पेज की साइज कैसे सेट करेंगे, उसको लैंडस्केप कैसे करेंगे और उसमें कलर कैसे करेंगे, ठीक है। और भी सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, बिल्कुल विस्तार से चीज़ें बताया है, मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या डिजाइनिंग की जा सकती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताऊंगा। वीडियो में थोड़ा सा देरी हो जाती है, थोड़ा सा मेरा एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को लेकर के मेरा व्यस्तता हो जाती है, जिसके कारण क्या नाम है कि मैं वीडियो बहुत जल्दी नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। लेकिन अब से कोशिश करता हूँ, ये मैं तो बार बार ये चीज़ें कह चुका हूँ कि अब से कोशिश करूँगा, ठीक है, लेकिन अब से कोशिश करता हूँ कि क्या नाम है कि आपको रेगुलर वीडियो शाम को 7:30 बजे या फिर 8 बजे और 7 के बीच में आपको वीडियो एक अपलोड जरूर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, सेम हमने यहाँ से डू नॉट सेव कर देते हैं, ठीक है। सेम हमने ऐसा ही हमें एक बनाना है, तो हम सीधे इसमें एक सिंपल सी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इंटर, जिसे कहते हैं पेज ब्रेक। हूबहू ऐसा एक पेज ब्रेक हो जाएगा
कंट्रोल के साथ हम इंटर दबाते हैं तो देखिए ऐसे ही हो गया ना, कंट्रोल के साथ इंटर दबाने पे, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है कि ऐसा ही बनाना है, हमें ऐसा ही बनाना है, ऐसा ही बनाना है, ठीक है। तो हमें पहले बॉर्डर क्रिएट कर लेना है, जो ये बॉर्डर हमारे पास दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा तो समय लगेगा ही क्योंकि डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से इसको क्या करेंगे, बना लेंगे, आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो हम पहले इस पर बॉर्डर बनाते हैं, जो यहाँ पे दिखा गया है बॉर्डर, ठीक है। तो हम बॉर्डर बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा पेज को जूम कर लेते हैं, क्योंकि जूम करके कोई भी डिजाइनिंग करते हैं तो काफ़ी बेटर, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया होता है, ठीक है। अब इतना छोटा पेज है तो मैं इसमें अपनी आँखें फाड़ फाड़ के देखूँगा, आप भी फाड़ फाड़ के देखेंगे, हो सकता है कि आँखों को भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, वो भी मन मन के आपको गाली दे, इसलिए हम क्या करें अपने पेज को क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के स्क्रॉल बटन से थोड़ा सा इसको अपने पेज को जूम कर लेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये पेज आ चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस पे एक क्या करना है कि डिज़ाइन तैयार करनी है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो हम चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट में, इंसर्ट पे क्लिक किए, ठीक है। हमारे पास क्या मिलेगा, शेप मिलेगा, हम शेप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप को हम यहाँ से ले लेंगे, सीधे सीधे रेक्टेंगल शेप को ले लेते हैं और ऐसे एक क्या करेंगे कि शेप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, शेप ऐसे। तो बॉर्डर लगाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम फिलहाल इसी से काम चलाएंगे अभी। तो देखिए तो हमारा 2010 का है, तो ये पूरा फिल आ रहा है, इसको हमें क्या करना है कि अनफिल करना, मतलब इसके बीच कलर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलेंगे शेप फिल पर क्लिक करेंगे, ठीक, और उसके बाद यहाँ से करेंगे नो फिल, देखिए नो फिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो आउट लाइन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देते हैं इसको वाइट, देखिए वाइट हो गया, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, मोटा करने के लिए फिर पे चलेंगे और यहाँ से क्या करेंगे वेट पे जाएंगे और यहाँ से देखिए आपको जितना मोटा चाहिए जैसा भी चाहिए इस तरीके से रख लेंगे। हो गया ना हमारे पास एक बॉर्डर, ठीक है, सिंपली एक बॉर्डर और लेना है हमको। तो हम फिर से इंसर्ट पे चलेंगे, वैसे तो हम कंट्रोल डी कर सकते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी है, क्लिक करेंगे, ठीक, और इसके बीच ऐसे आपको क्या करना है कि ड्रॉ करना इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इस तरीके से क्या करना है कि ड्रॉ कर लेना इस प्रकार से, ठीक। और ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, आउटलाइन पे सिर्फ शेप फिल पे जाना है, शेप फिल पे जाने के बाद यहाँ पे नो फिल कलर करना है और नो फिल कलर करने के बाद यहाँ पे शेप आउटलाइन और यहाँ से इसको भी वाइट आउट कर देना है, वाइट कर देना है, ठीक है। और वाइट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये डिज़ाइन आपको ले लेना है, मैंने यही लिया है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप किसको लेते हैं। जगह काफ़ी देखिए ऊपर काफ़ी ज़्यादा छूट रही है, तो हम इसको जूम करके, मतलब कि जूम आउट करके, जूम इन करके इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सेट करेंगे। तो कंट्रोल बटन दबा के स्क्रॉल बटन को घुमाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इसको हम क्या करेंगे ऐसे देखिए सेट कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए, है ना। अब इसको छोटा करेंगे, इधर आ जाएंगे और फिर नीचे चलेंगे, इधर देखिए, है ना, ये देखिए इसमें भी लगभग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर से स्क्रॉल करके, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको हम सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको पकड़ के हम इधर भी कर लेते हैं और इसको भी हम क्या करेंगे ऐसे हम सेट करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या हुआ कि ये सेट हो चुका है, ठीक है, पेज की तरह, बॉर्डर की तरह, है ना, इस तरीके से। ये दूरी थोड़ा सा अधिक दिख रही है, नीचे वाले जो बॉर्डर की दूरी है थोड़ी सी अधिक दिख रही है, हम इसको सेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, आसानी से बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ठीक है, ऐसे ये देखिए हमारे पास एक बॉर्डर तैयार हो गया। अब बाद में आता है कि यहाँ पे लिखा है जय माता दी, क्या लिखा है, जय माता दी, ठीक है, कितना अच्छा नाम, जय माता दी, बोलने में बड़ा सुकून लगता है, बड़ा मतलब शांति से महसूस होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो हम सीधे चलेंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में चलने के बाद यहाँ पे शेप लेंगे, शेप लेने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टेस्ट बॉक्स, टेस्ट बॉक्स ले लेंगे यहाँ से। टेस्ट बॉक्स लेकर के हम ऐसे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये वाइट कलर आ रहा है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे फिर से शेप फिल में जाना है, इस बार हमें नो फिल करना है, नो फिल का मतलब हमें फिल नहीं करना है, कलर भरना ही नहीं है हमें, ठीक है। और आउटलाइन तो आएगा ही, तो आउटलाइन को करेंगे शेप आउटलाइन पर क्लिक और यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन, ना तो हमें कलर चाहिए ना तो हमें आउटलाइन चाहिए, सीधे हमें क्या करना है कि हमको सिंपल टू सिंपल टेक्स्ट को लिखना है, ठीक है। तो चलिए हमें हिंदी में लिखना है, तो यहाँ पे होम पे चलेंगे, होम पे चलने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है कि फॉन्ट फैमिली में चल के, फॉन्ट फैमिली चल के यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 10 को लिया था पहले, तो सॉरी यहाँ पे तो 11 है, हमें 10 चाहिए, ठीक है। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फॉन्ट है तो इसलिए स्क्रॉल करके हम नीचे चलेंगे और कृति देव जो 10 है हम उसको लेंगे, ठीक है, और उसी को लेकर के हमने उसी पे पहले लिखा था। तो आप भी एक फॉन्ट निर्धारित कर लेंगे, कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है आप उसी पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 10 है मैं इसी को लिया था, ठीक। अब इसमें हमको क्या लिखना है, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, जय माता दी, ठीक है, आप लिखते हैं कंट्रोल जेड कर देंगे, इस तरीके से कभी कभी हो जाता है, ठीक है, माता दी, ठीक है, स्पेस नहीं दिए क्या, ठीक है, माता दी,
ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अभी देखिए काफ़ी छोटा है, इसको लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ से क्या करेंगे कि बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से करेंगे बोल्ड, ठीक, और कंट्रोल ई कर देंगे, बीच में चला जाएगा, और यहाँ से कंट्रोल यू कर देंगे, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, समझा। ठीक, अब इसके बाद तो सॉरी, यहाँ पे देखिए कुछ हमने ये नहीं लगाया था, शिफ्ट के साथ हम इसको लगा देते हैं, ये देखिए, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करके, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसके बीच ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्लिक करके हम क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ ये दबाते हैं, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ अधिक दिख रहा है ना, ये कुछ अधिक दिख रहा है, या फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, या रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे। अब हमको नीचे देखना, यहाँ पे देखिए दिया आफत क्लब द्वारा आयोजित, ये मतलब कि जैसे कि जहाँ पे ये पूजन उत्सव किया जाता है उनकी एक कमेटी का नाम हो जाता है ना, कमेटी, जैसे उसमें 10 20 25 30 लोग रहते हैं और उनके एक कमेटी का नाम दे दिया जाता है, तो ये लोग अपने कमेटी का नाम क्या लिखे, आफत क्लब द्वारा आयोजित, ठीक है, आफत क्लब, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर क्लिक करके कंट्रोल के साथ डी करेंगे, हमारे पास देखिए इस तरीके का मिल जाएगा, हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे ऐसे बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में चलेंगे, फॉन्ट फैमिली में चलने के बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए हमारा 710 वाले पे, 710 वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आफत, ठीक है, आफत, आफत क्लब, आप लोग भी कहेंगे कि कैसा नाम है, ठीक है, लेकिन जैसा भी है आफत क्लब द्वारा, है ना, आफत क्लब द्वारा क्या लिखा रहा है, ठीक है, आफत क्लब द्वारा आयोजित, आयोजित, ठीक है, आयोजित। अब नीचे देख लेते क्या है, आफत क्लब द्वारा आयोजित, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा लगभग बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, 72 हो गया, ठीक है, रहने ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा 72 हो गया, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि इमेज भी हमको वहाँ पर लगाना है ना, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पर लगभग 62, ठीक है, तो 62 करने तो ज़्यादा छोटा हो रहा है, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके करेंगे 65, ठीक, यहाँ से 65, ठीक, 65 कर लेते हैं, या फिर कुछ और ही कर देते हैं, 68 करके देख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 68 ही रहने देते हैं, ठीक है, हमें कौन सा इसको प्रिंटिंग करना है, बस हमें सीखना ही है, अब आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए हमें मिल गया इस तरीके से आफत क्लब द्वारा आयोजित, ठीक है, क्या लिखा है, श्री श्री माँ लक्ष्मी पूजन उत्सव, ठीक है। तो हम इसको फिर क्लिक करेंगे और फिर यहीं पर क्लिक करेंगे, सॉरी, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल के साथ डी करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके का मिल जाएगा, हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है, और इस बार सेलेक्ट करके आउटलाइन को हटा देते हैं, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, श्री श्री माँ लक्ष्मी पूजन उत्सव, है ना, तो श्री श्री, ठीक है, श्री श्री लक्ष्मी माँ लक्ष्मी लिखा हुआ है, तो ऊपर चंद्र बिंदी देना, तो अल्ट दबा के 0161 से दे लेंगे, ठीक है, माँ लक्ष्मी, ठीक है, माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी दिया है पूजन उत्सव, ठीक है, नीचे देख लेते हैं, पूजन उत्सव ही है, ठीक है, पूजन, पूजन उत्सव, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है ऐसे, ठीक है, उत्सव, पूजन उत्सव, पूजन उत्सव, ठीक है, पूजन उत्सव, ठीक है, ये देखिए, है ना, तो इसको हम यहाँ से क्या लिखा है, पूजन उत्सव ही लिखा है, ठीक है, फिर हम इसको सेट कर लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार से सेट करेंगे एरो से, ठीक है, ये देखिए, ये बीचों बीच हो जाएगा हमें, हमारे पास, ठीक, अगर ये साइज़ काफ़ी बड़ी लग रही है तो आप छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, स्थान छिही टड़ियवा पार, ये गांव का नाम है, ठीक है, इसको, इससे हमें कोई भयभीत होने नहीं देना है, ठीक है, ये आजमगढ़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हम क्या नाम है कि लिखेंगे स्थान, ठीक है, स्थान, इससे हमें क्या लेना देना, ठीक है, स्थान कहीं पर भी हो, ठीक है, स्थान, इस पर देते हैं, ठीक है, छी ही, ठीक है, छी ही, और कहाँ गया, छी ही, ठीक है, और कोष्टक में लिखा है 0188 टड़ियवा पार, ठीक है, टड़ी य वा पार, ठीक है। अब इसमें हम अल्ट 0189 कर देते हैं, ठीक है, इसको हमें क्या करना है कि थोड़ा सा छोटा करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रख लेना है, ये देखिए 36 हो गया, इसको हम 40 कर देते हैं, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, रख लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया, है ना। अब हमें क्या लिखा है, हेतु सहायतार्थ, है ना, हेतु सहायतार्थ देना, हमको यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी कर लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है क्या, हेतु, हेतु, ठीक है, हे और तू, ठीक, हेतु,
ठीक ये लिखा है हेतु स हा य ता है ना तार्थ, ये देखिए हो गया, ये कंट्रोल जेट करते हैं, ये कौन सा आ गया, ठीक है स हा य ता थ, ठीक सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे उठा के रखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कि रख लेंगे, ये देखिए है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक और छोटा कर लेते हैं, काफ़ी दिख रहा है, ठीक है ना, ये देखिए। अब बात आती है कि यहाँ पे जो पहले फ़ोटो है तो फोटो को पहले लगा लेते हैं, फ़ोटो लगाने का तरीका देख लीजिए है ना, फ़ोटो लगाने का तरीका हम इंसर्ट पे चलेंगे और शेप पे चलेंगे, शेप को ले लेंगे, शेप को लेने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ऐसे क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ कर लेंगे ऐसे, ठीक है और चलेंगे शेप फिल पे, शेप फिल पे हमें क्या मिलेगा पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जहाँ पे भी पिक्चर होगा वो एरिया हमें तो मिलेगा ही, अगर डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप कर लेंगे, तो हमारा जो पिक्चर है वो डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेते हैं और डेस्कटॉप से उस पिक्चर को लेके आते हैं जिसको हम लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है PNG वाला है, ठीक है इंसर्ट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ठीक और आउटलाइन को हटा देंगे यहाँ से, फिर से इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ से आउटलाइन नो आउटलाइन, ठीक है यहाँ पर क्लिक करेंगे नो आउटलाइन, ठीक है इस तरीके से हट जाएगा। वापस हमें फिर यहाँ पे आना है शेप ले करके, ठीक यहाँ पे ऐसे क्या करना है एक ड्रॉ कर लेना है इमेज शेप, शेप यहाँ से क्या करना है एक ड्रॉ कर लेना है ऐसे, ठीक है और फिर इसको ऐसे थोड़ा सा सेट कर लेना है, ठीक है और यहाँ से शेप फिल पे और पिक्चर और दूसरा वाला जो इमेज हमारे पास था डेस्कटॉप पे, यहाँ से क्लिक डेस्कटॉप, ठीक उसके बाद नीचे चलेंगे यहाँ से स्क्रॉल करके धीरे धीरे, ठीक है ये रहा है ना क्लिक, ठीक है और ओके। अब इसको भी क्या करेंगे थोड़ा सा हम इसको भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम इसका जो बॉर्डर वगैरह है इसको हटा देंगे, यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक करेंगे नो आउटलाइन, ठीक है ये देखिए ठीक इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ देखिए ये लग गया है ना। नीचे हमें दिया है क्या दिया है कि नाम पता वगैरह, ठीक है हमें कुछ करना नहीं है, बस सिंपली क्या करना है कि इसको क्या नाम है कि कंट्रोल डी करना है और कंट्रोल डी करके नीचे सेलेक्ट हुआ नहीं था इसको सेलेक्ट करना है फिर कंट्रोल डी करना है, अन्यथा आपकी फॉन्ट फैमिली ओपन हो के आ जाएगी तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ठीक है मतलब समस्या में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है समस्या आती जाती रहती है, ठीक है इसको हम क्या करेंगे छोटा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है छोटा करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नाम, ठीक है नाम और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्या करते हैं कि इधर करते हैं राइट में सॉरी लेफ्ट में, ठीक है और हम यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेते हैं पहले, ठीक है और बैक स्पेस, ठीक है और यहाँ से ऐसे दे देते हैं, ठीक है देखिए आसानी से आपका ये पर चलता चला जा रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है नाम के बाद उसमें क्या दिया हुआ है नाम है पता है रुपए शब्दों में, ठीक है यहाँ पे पता है, ठीक है और ऐसे देते चले जाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बहुत आसान होता है डिज़ाइनिंग करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। फिर उसके बाद क्या लिखा है रुपये रुपये, ठीक है रुपये शब्दों में लिखा है, ठीक है तो शब्दों में ही दे देते हैं, ये द बनना चाहिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है शब्दों में, ठीक है शब्दों हो जाएगा शब्दों में, ठीक इस तरीके से ऐसे हम क्या करेंगे कि उसके नीचे दिया होगा अंकों में भी, ठीक है यहाँ से अंकों में, ठीक ऐसे डॉट डॉट कर लेंगे और इंटर यहाँ से भी डॉट डॉट करके गया हुआ है, ठीक है और थोड़ा थोड़ा हमको इसको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है और नीचे कुछ लिखा था इसके बगल में, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है सधन्यवाद प्राप्त किया, सधन्यवाद, ठीक है सधन्यवाद प्राप्त किया, ठीक है तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं छोटा, हमें एडजस्ट करना है उसको, ठीक है जो हमने बनाया है, ठीक है इसको क्या करना है एडजस्ट करना है ताकि वो अच्छे ढंग से आपको क्या मिल जाए जो भी चीज़ें आप बनाएं वो अच्छे ढंग से सेट हो जाए, जब अच्छे ढंग से सेट नहीं हुआ तो आप काम कैसे कर पाएंगे इसमें, ठीक है सारी चीज़ें वही होती है कि आपका पूरा जो बनाया हुआ चीज़ें होता है वो अच्छे ढंग से आपको मतलब कि मिले, ठीक है और अच्छे ढंग से दिखाई दे वो, तब आप उस चीज़ को बढ़िया से क्या करेंगे सजा पाएंगे कर पाएंगे देख पाएंगे, ठीक है ये देखिए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं, ठीक है और
अच्छे ढंग से जब सेट कर लेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, अन्यथा चीज़ें क्या नाम है अजीब से क्या नाम है कि लगती है। ये देखिए है ना, इस तरीके से आपका देखिए ये है ना हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका ये एक शेप बनाया गया, तो शेप बनाने के लिए आप सिंपल इंसर्ट में चलेंगे, यहाँ से शेप लेंगे, ठीक है यही वाला शेप था, ठीक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक इस शेप को ऐसे क्या करेंगे पतला सा ड्रॉ कर लेंगे और इसके कलर को नो कर देंगे, नो कलर चाहिए हमको, और आउटलाइन इसका ब्लैक था ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और इसको लेंगे जो आपका वृत्ताकार वाला है, ठीक है ऐसे ड्रॉ करेंगे वृत्ताकार को, ठीक है इस तरीके से ऐसे, ठीक और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से ब्लैक कर देंगे, ठीक है ये हमारा ब्लैक हो गया देखिए, ठीक है। और उसके बाद हमें इसमें लिखना है तो हम इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी कर देते हैं और नीचे की तरफ लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक इसको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं इसको होम पे चलते हैं, यहाँ से इसके कलर को वाइट कर देते हैं, ठीक और यहाँ पे एरियल कर देते हैं, एरियल एरियल में अंग्रेजी आ जाता है, ठीक है हमको यहाँ पे आर और एस लिखना है, तो ये काफ़ी बोल्ड लग रहा है, इसको हमको बोल्ड नहीं करना है, हटा देना है, थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, 36 में है, ठीक है इसको हमको ऐसे कर लेना, ठीक है और उठा करके यहाँ पे रख लेना, ठीक है ये देखिए एरो से सेट कर लेंगे अपने हिसाब से इसको बढ़िया से, ठीक है बढ़िया से सेट करेंगे तभी आपको बढ़िया भी दिखेगा, बढ़िया सेट नहीं करेंगे तो बढ़िया नहीं दिखेगा। हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता का है ना, यहाँ पे हस्ताक्षर पूछ रहा है किसका, प्राप्तकर्ता का कह रहा है, तो हम इसी को या फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी कर लेते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है और इसको भी अनबोल्ड कर देते हैं, ठीक है और यहाँ पे लिख लेते हैं हस्ताक्षर, यहाँ पे ह बना के सुनना, ठीक है कंट्रोल जेड, ठीक और प्राप्तकर्ता, ठीक है प्राप्तकर्ता, ठीक है तो इस तरीके से छोड़ देंगे। बाकी आपको डेट वगैरह देना, जैसे कि दिनांक देना चाहते हैं, डेट वगैरह देना चाहते हैं कि डेट कैसे होगा, ठीक है तो यहाँ पे रख लेंगे किस मतलब डेट कब कब दिया है, ये भी तो होना चाहिए ना, ये भी होना चाहिए, तो हमने तो पहले वाले में तो दिया नहीं था, लेकिन आप दे सकते हैं आपकी मर्ज़ी है, ठीक है दिनांक कैसे दे सकते हैं, ठीक है ये देखिए कंट्रोल जेड करेंगे क्या हो गया, ठीक है दिनांक, ठीक है इस तरीके से ऐसे आप इसमें दे सकते हैं दिनांक वगैरह, ठीक है ये देखिए ये आसानी से क्या हुआ आपका, ये आसानी से सेट हो गया, आसानी से क्या हो गया सेट हो गया ना। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो बनाया था, अब आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, इसमें मैंने बोल्ड नहीं किया था, इसमें मैंने बोल्ड कर दिया ताकि आपको और बेहतरीन से दिख सके, ठीक है तो दोनों काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़िया ढंग से बन गया, आपको अच्छा लगा होगा कि ये बना कैसे है, ठीक है। अब इसको PDF करने के लिए मैंने बताया भी था कि आपको PDF कैसे करना है, ठीक है अगर नहीं देखे तो मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे, ठीक है PDF कन्वर्टर डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट के माध्यम से, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का होगा तो उसमें कन्वर्टर पहले से होगा PDF में, PDF में कन्वर्ट करके फिर उसको JPG में कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप फोटोशॉप में जा करके उसको अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है तो उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू नमस्कार धन्यवाद।